नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा बोरा। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में लोगों का वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। इस मौसम में लोगों के शरीर में आलसी छाया रहता है और ठंड के अधिक बढ़ जाने के कारण उन्हें कुछ भी योगाभ्यास एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, जिसके कारण वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। आज हम आपको कुछ सिंपल से अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो यह वेट लॉस करने वाले बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास हैं और इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। आज हम आपको लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाइए। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों को कम से कम आप 15 से 20 बार श्वास प्रश्वास के साथ अप डाउन करें। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को बेली फैट की शिकायत होती है वह समस्या दूर होती है और यह अभ्यास हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। ऐसे अपने हील को जमीन पर ना रखें, जमीन से थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 15 से 20 बार करें। यह अभ्यास हमारे पेट को हल्का और नरम करता है और यह अभ्यास को करने से आप अपने वेट को तेजी से भी लॉस कर सकते हैं। के बाद ऐसे सीधे के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान पादासना। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें, आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर नीचे वहां से अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद हम करेंगे मरकट आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने इंटरलॉक करके अपने सिर के नीचे से ऐसे रख लें या फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ते हैं। आपके घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी रहे और अपोजिट साइड आपने देखना है। आपकी कोहनी, आपका हाथ बिल्कुल सीधा रहे। 10 सेकंड तक रुकने के बाद फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से कम 8 से 10 बार कीजिए। फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें, अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में ऐसे अपने हील को ऐसे रख लेते हैं। वहां सुंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड मोड़िए और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से कम 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने
इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे स्वास सुंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाएं और अपने हाथ से ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कंधे की सिधाई पे ले जाते हुए ऐसे अपोजिट साइड आपने देखना है। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे, 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके, फिर सेंटर में आइए नीचे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाते हैं और अपने हाथ से ऐसे अंगूठे को पकड़कर ऐसे अपने पैर को ऐसे कंधे की सिधाई में लाने की कोशिश करें। फिर सेंटर में, फिर नीचे, ऐसे ही दोनों साइड से करने के बाद फिर ऐसे इस अभ्यास को हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने कंधों की सिधाई पर ले जाते हुए अपोजिट साइड देखते हैं। योर ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों के शरीर में दर्द, कमर में दर्द की शिकायत रहती है, की समस्या दूर होती है। कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकने के बाद फिर ऐसे सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से फिर नीचे। यह इसका एक चक्र हुआ। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 4 से 5 बार कीजिए और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के नीचे से ऐसे रख लें और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर सीधे।